हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये सुंदर सी ब्यूटीफुल सी बेबी ड्रेस। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक रखा है और इसकी लेंथ यहाँ पर 13 इंचज़ रखी है। इसके बाद हम इसके लिए बेल्ट की मार्किंग करेंगे, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूँगी। इसके लिए जितना भी आपका हिप एरिया है उसको डिवाइड बाय 4 कीजिए और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। तो मेरा यहाँ पर 9 आ रहा है, ये देखिए। और इसकी जो वो मैं यहाँ पर 8 इंच रखूँगी। 1 इंच की हम ऊपर बेल्ट ऐड करेंगे इसमें, तो आसन भी हमें 9 ही इंच रखना है। और फिर इसकी गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम बॉटम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे जहाँ पर हमने मार्किंग की है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आसन को सिलाई कर लेना है दोनों साइड से, इस तरह से। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर आसन में सिलाई लगा ली हमने। इसके बाद हमें बेल्ट कट करनी है, उसके लिए 3 इंच विड्थ और 18 इंच लेंथ की हमने 2 स्ट्रिप यहाँ पर काटी है, तो देखिए। और हमने लूप्स बनानी है इसके लिए, तो 3 लूप बनाएंगे 1.5 इंच विड्थ और 2.5 इंच लेंथ की। सबसे पहले इनको रेडी कर लूँगी मैं तीनों को, तो देखिए मेरी लूप्स रेडी है। इसके बाद हम एक हिस्सा लेंगे और उसको इस तरह से रखेंगे खोल करके, और राइट साइड से रखना है हमें ये। और एक लूप हमने आगे की साइड, दोनों साइड एक एक रख देनी है सेंटर में। इसके बाद जो हमारे पास पट्टी है वो हम रॉन्ग साइड से रखते हुए इस तरह से रखेंगे और सीधी साइड पलटना है इसको। तो देखिए मैं रॉन्ग साइड से रखते हुए इसमें सिलाई लगा दूंगी। और लूप का ध्यान रखना है हमें कि वो हमें सेंटर में ही अटैच करनी है इस तरह। तो देखिए मैं पूरे पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी इस पर, इसको मैं पूरा कर लेना है। इसके बाद हम इसको सीधी साइड कर लेंगे और इस तरह से देखिए 1/2 इंच अंदर की साइड करते हुए और फोल्ड करके रख लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे पूरे पे। इससे क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है हमारी, ये देखिए। और इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ऐसे ही मैं दूसरा पल्ला भी रेडी कर लूँगी। और इन लूप्स को एक साइड तो हमारी अटैच हो चुकी है, दूसरी साइड में इनको निडल की हेल्प से सिल दूँगी। अब हमें इसमें इलास्टिक अटैच करनी है, तो इलास्टिक के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 20 इंच की इलास्टिक ली है और इसको मैं सेंटर से कट कर लूँगी। 2 हिस्से कर लेंगे इसके हम, तो एक हम इसमें डालेंगे और एक दूसरे पार्ट में। तो इसको हम इंसर्ट कर देंगे इस तरह से एक पिन की हेल्प से। तो देखिए ध्यान से इंसर्ट करना है, इसमें लपेटे नहीं आने चाहिए, बीच में कोई भी फोल्ड नहीं आना चाहिए। और एक साइड से इसको सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही सिलाई लगाकर पक्की सिलाई लगानी है, ये देखिए। तो इसको ध्यान से एडजस्ट करते हुए बीच में कोई भी बस ध्यान रखना है, कोई भी सलवट ना आए इलास्टिक के अंदर। तो देखिए अटैच हो चुकी है। अब इसके ऊपर से एक सीम लगा देंगे सेंटर में बीचों बीच रखते हुए, और इलास्टिक लगाते हुए हमेशा ध्यान रखिएगा उसको दोनों साइड से हमें अच्छे से खींचना है इस तरह से, और तब इलास्टिक लगानी है। और जो लूप्स आपको दिखाई दे रही है इनको हम बाद में सुई धागे से पीछे अटैच कर देंगे इस तरह से, ऐसे करनी है। इसके बाद मैंने दोनों पार्ट देखे यहाँ पर रेडी कर लिए हैं, बैक और फ्रंट के, और दोनों की सीधी जो साइड है वो अंदर आएगी और बाहर रॉन्ग साइड होगी। और इस तरह से दोनों की साइड की सिलाई हम लगा देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जो किनारों की सिलाई है वो पक्की करनी है, हमें पक्की ही लगानी है। तो दूसरी साइड से मैं इस तरह से सिलाई लगा दूँगी इस पर। और शॉर्ट्स की मेरी काफ़ी सारी वीडियोस और भी पड़ी हुई हैं, चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, रफल शॉर्ट्स।
और काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं बच्चों से रिलेटेड। तो देखिए दोनों साइड सिलाई लग चुकी है। इसके बाद हमें इसमें नीचे की साइड डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम बुकरम कट कर लेंगे 18 इंच लेंथ की, और इसकी जो विड्थ रखी है हमने वो 1.5 इंच की रखी है। तो मैं इसको सबसे पहले 1/2 इंच पे मार्क करूँगी एक साइड में, इस तरह से 1/2 इंच पे पूरे में हम मार्क कर लेंगे, और निशान को सबको आपस में मिलाते हुए सीधा कर लेंगे इनको निशानों को हम। इसके बाद हमें 2-2 इंच पर एक मार्किंग करनी है, ये देखिए इस तरह से, और नीचे की साइड गोलाई देते हुए इस तरह से 2 इंच पे डिज़ाइन रेडी कर लेना है हमें, ये इस तरह से, ये राउंड शेप में आएगा हाफ सर्कल में। तो इस तरह से आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे सीजर की हेल्प से, किनारे हम सही से निकालने हैं इसके, और इस तरह से कट कर लेना है डिज़ाइन ये। तो देखिए इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है कट हो चुका है। ऐसा ही एक और डिज़ाइन कट कर लेना है, और इसको मैंने कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है। इसके बाद इसको साइड से हम किनारे फोल्ड कर देंगे दोनों साइड की, और सेंटर से कट कर लेंगे, ये देखिए मैंने कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसको सीधी साइड से निकर जो है हमारा उसकी सीधी साइड से रखेंगे, और इस तरह से ये डिज़ाइन जो हमने बनाया है इसी के ऊपर सिलाई लगानी है हमने किनारे किनारे से इसकी। तो मशीन को उठाते हुए हम इस तरह से पूरी डिज़ाइन को अटैच कर लेंगे अपने निकर पार्ट पर। तो इस तरह से ये डिज़ाइन देखिए अटैच हो चुका है, और साइड से जितना बचा है इसको हम कट कर देंगे। अब इसको हम ये कटिंग करनी है हमें इसमें, इस एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है सब कट कर देना है, और जो इसके कोने हैं हमारे उनमें हमें हल्का हल्का सा कट लगाना है सब में, सिलाई नहीं कटनी चाहिए बस ध्यान रखना है, लेकिन एंड तक कट लगाना है बिल्कुल ये। इसके पास को सीधी साइड फोल्ड कर लेंगे इनको अंदर करते हुए, ये देखिए डिज़ाइन हमारा बन चुका है। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे एक, जिससे कि हमारा डिज़ाइन जो हमने बनाया है वो हमारा सेट रहे। तो देखिए एक साइड का डिज़ाइन हमने रेडी कर लिया है, ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी डिज़ाइन रेडी कर लूँगी। ये देखिए हो चुका है हमारा डिज़ाइन रेडी। अब इन दोनों की लेग्स की जो सिलाई होती है वो हम लगा देंगे, और जो ये आप सेट देख रहे हैं ये आपका 5 से 6 साल के बच्चे को इजीली आ जाएगा। तो देखिए किनारों पर हमेशा पक्की सिलाई लगाते हुए, इसके बाद हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 36 इंच की एक बेल्ट ली है, और इसको साइड से हमें कट कर लेना है दोनों साइडों से। इसके बाद इसको बेल्ट को हम रेडी कर लेंगे सिलाई लगाते हुए किनारे की, और इसके बाद इसको राइट साइड में सिलाई लगाने के बाद राइट साइड में फोल्ड कर लेना है, और किनारे पर कट ज़रूर लगाने हैं हमें, और पेन की हेल्प से मैं यहाँ पर इसको सीधा कर लूँगी। इसके बाद एक साइड ओपन थी उसको भी अंदर साइड कपड़ा करते हुए सिलाई लगा लेंगे ऊपर से, और ये देखिए मैं लूप्स के अंदर इसको डाल दिया है, और लूप्स मैंने यहाँ पर अटैच कर ली थी। इस तरह से हमारा निकर बनकर रेडी हो गया है। अब हम टॉप पार्ट कट करते हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके यहाँ पर रख लिया है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 17 इंच रखी है। नेक की विड्थ हमें 2 इंच रखनी है, और इसके बाद नेक से हम 8 इंच पे एक मार्क करेंगे क्रॉस में इस तरह से, और 5.5 रखना है ऊपर से हमें निशान की लेंथ इसकी। आज जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, तो मेरी यहाँ पर 28 है तो मैं 7 पर मार्क करूँगी, ये देखिए। इसके बाद हम 1 इंच नीचे से रखेंगे फोल्ड करने के लिए, और जो ऊपर हमने 7 इंच पे निशान लगाया है उससे 2 इंच और बढ़ा करके हम
ये निशान सीधा कर देंगे। इसके बाद हम पीछे के नेक की कटिंग करेंगे, तो वो हमें हाफ इंच लेंथ रखनी है और विड्थ हमने 2 इंच ही रखी है जो मार्क किया था, और ऐसे कटिंग कर देंगे। और इसके बाद इसमें से बैक साइड अलग रख देंगे हम निकाल करके, और आगे का नेक यहाँ पर हम 2.5 इंच रखेंगे और मार्क कर देंगे, और इस तरह से ये रख करके, और मैं यहाँ पर गोलाई में करनी है मैं यहाँ पर इसमें, ये देखिए इस तरह से। और जो हमने आर्म होल बनाया है ये भी हमारा कटेगा यहाँ पर, इतना कट कर देना है हमें। और उसके बाद जहाँ पर हमने मार्किंग की है उसको कट कर देंगे, और देखिए अब मैंने यहाँ पर बैक साइड का भी अपना पल्ला रख लिया है, और इसको भी मैं साइड की जो और साइड से कट कर लेंगे जहाँ पर हमारी मार्किंग है। ये देखिए हमारा बैक और फ्रंट कट हो चुका है। इसके बाद हम बैक साइड का पेस लेंगे और उसको सेंटर से 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई। इसके लिए अब हमें बुकरम कट करनी है, तो 9 इंच लेंथ रखी है बुकरम की और 1.5 इंच विड्थ रखी है। इसको भी ऐसे ही हमें डबल फोल्ड करना है और उसके बाद 2-2 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरह से, और इसमें गोलाई दे देनी है हमें। और इसके बाद जहाँ पर हमने गोलाई दी है वहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने निकर पार्ट के लिए किया था शॉर्ट्स के लिए वैसे इसकी कटिंग कर ली है। और ऐसे ही मैंने 4 पीसेस कट किए हैं बुकरम के। अब इसको हमें ऐसे किनारे से फोल्ड करना है और सबको अलग अलग करके कट कर लेना है बीच में से। अब हम अपना जो टॉप पार्ट है उसका आगे का हिस्सा हमने लिया है, और इसको हम इस तरह से रखते हुए हमको सीधी साइड में रखना है ये भी, और इस तरह से इसको गोलाई में करते हुए सिलाई लगा देंगे पूरे पे, जैसे हमने शॉर्ट्स में सिलाई लगाई थी वैसे ही बिल्कुल लगानी है यहाँ पर भी। और ये सब मैं सीधी साइड रख के करेंगे, और फिर इसको रॉन्ग साइड में हमें फोल्ड कर देना है। इसके बाद में इसको कट लगाना है, सबसे पहले जैसे हमने कट उसमें लगाए थे ऐसे लगाना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक सब कट कर देना है। इसके बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा जितना भी होगा हम कट कर देंगे, और ऊपर से सीम लगा देंगे एक इस तरह से। तो इसी तरह से मैंने आगे के दोनों जो साइड में है रेडी कर लिया है आगे की साइड का पल्ला। अब सेम ऐसे ही मैंने बैक साइड का भी पल्ला रेडी कर लिया है, देखिए यहाँ पर। अब बैक साइड में जो हमने कट लगाया था वहाँ पर सीधी साइड में एक पट्टी रखूँगी, और उसको वी शेप में जिस तरह हमारा गला कटा हुआ है वैसे ही सिलाई लगा देंगे, और उसके बाद सेंटर से इसमें कट लगा लेंगे बीचों बीच जहाँ तक हमारी सिलाई लगाई है हमने, लेकिन सिलाई नहीं काटनी। और उसके बाद रॉन्ग साइड में कटते हुए इस पट्टी को उस पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। देखिए बैक नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम उरेब की पट्टी लेंगे। इस पट्टी की लेंथ हमने 18 इंच रखी है और विड्थ इसकी हमारी 1 इंच है, तो इसको हम अपने नेक पे ज्वाइन करेंगे। देखिए इसको हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे लगाना, और रॉन्ग साइड से ही लगाना है जो हमने अपना पल्ला रखा है बैक साइड का, वो रॉन्ग साइड से ही रखा है। एक साइड लगाने के बाद हम 3 इंच पर मार्क करेंगे एक, और यहाँ पर हम डबल फोल्ड पट्टी को करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे पूरे पे 3 इंच तक, सॉरी। इसके बाद यहाँ रुकेंगे और फिर आगे वाला जो हमारा पल्ला है उसको लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे पूरे में, ये देखिए ऐसे। इसके बाद हम यहाँ से फिर 3 इंच पे मार्क करेंगे, ये हमारे दोनों साइड के शोल्डर्स का मार्किंग होगी, और दोनों अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फिर से हम सिलाई लगा देंगे
इस तरह से 3 इंच तक, और फिर बैक साइड का दूसरा हिस्सा रख करके हम इस नेक को कंप्लीट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट करते हुए ये देखिए हमारा पट्टी अटैच कर ली है, जो एक्स्ट्रा है निकल रहे हैं उनको कट कर दीजिए। अब इसको हमें राइट साइड में इस तरह से रख करके फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से, तो हमने जो बीच में हिस्सा था उस पर पहले से ही हमने सिलाई लगा ली थी, तो सिर्फ हमें जहाँ पर हमारा नेक आ रहा है, नेक पार्ट है, वहाँ पर हमें इस तरह से रख करके राइट साइड में रखते हुए और सिलाई को लगा लेना है। देखिए इस तरह से मैं फ्रंट में भी सिलाई लगा लूँगी। ये हमारा आगे का हिस्सा है, ये देखिए इस तरह से, और बैक साइड का एक साइड का हमारा हिस्सा रह गया था उसमें भी हमने सिलाई अटैच कर ली है। अब इसके बाद एक बार हम मार्किंग कर लेंगे दोबारा से, देख लेते हैं। 7 इंच है हमारे यहाँ पर ये, तो 7 इंच पर मैंने दोनों साइड मार्किंग कर ली है और नीचे तक सीधा करके मैं साइड की सिलाई लगा दूंगी दोनों साइड में इस तरह से। ये देखिए, तो हमने दोनों साइड में इसी तरह से अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, साइड फिटिंग वाली सिलाई जो है। और ये देखिए हमारा नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे अब इसको एक बार, नीचे से फोल्ड हो चुका है और टॉप बनकर हमारा रेडी है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, ये डिज़ाइन कैसा लगा है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।